अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं जी, यहाँ पर शुरू रात के टाइम छोटा ब्लॉग बनाएंगे। और इस टाइम यहाँ पर एक और यहाँ का एक रवाज है कि जब दूल्हे की शादी होती है तो उसके बाद उसको खाना खिलाना पड़ता सब दोस्तों को। तो आज बस वहाँ पर ही आए हैं, एक मच्छी जहाँ से मिलती है यहाँ की मशहूर उस जगह पे आए हैं, तो यहाँ से भी रिजवान के ऊपर चटी पड़ेगी। सही मच्छी खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनती है और क्या प्रोसेस है इसका सारा। ये कहाँ पर आए हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त आप? सब ठीक हैं? मैं आया हूँ मछलियों में। ये रजवान भाई की शादी थी, उतराई हुई हम उसने रजवान भाई ने बोला यार तुम कहन ना बच्चे कैसे मछली खाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो गए और क्या मछली खाने के लिए आए हैं, तो आप दोस्त भी आए हमारी तरफ चक्कर लगाएंगे शाम। ये जगह जगह कौन सी है सारा बताएं। ये जगह ये जी इचड़िया सीपे के साथ इचड़िया नाम है जगह। सही सही, तो ये दूल्हा खिलाता होता है? हाँ इधर तो मतलब वैसे ही होता है, ये दूल्हे की शादी हो तो दूल्हे ही हमें खिलाता है। अच्छा अच्छा, दूल्हे की तरफ हम मतलब बोल देते हैं आओ भैया आपकी शादी होगी हमें ये चीज़ खिलाओ हमें ये चीज़ खिलाओ, तो हमारे साथ आ जाते हैं। मतलब हमारी होगी तो हमें भी खिलानी पड़ेगी लाजमी क्या चाचा तुम खुदा छोड़ दे। हाँ पक्का, ये पक रही है मच्छी बगैर कांटो के, रहा कांटो वाली ना। अच्छा, हां तो वो कांटे को बगैर काट के जैसा कुछ मस्त। हां ना कांटो वाली ना ना, इंशाल्लाह दसियो दसियो ये काटे हुए चलो जा। और ये रजवान भाई हमारे इनकी शादी हुई है। रजवान भाई आपको शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। तो हमने इसको बोला आओ हमें मच्छी खिलाओ, मच्छी खाने के लिए बकायदा जिसे जब बुलाऊंगा पाँच तक ग्यारहवीं शरीफ वाले बड़ी सरकार। दरिया भाई काशी होता हुआ थोड़ी ये साथ ये सामने सी पैक है और ये सी पैक के साथ ही है बिल्कुल ये जगह जो है। इधर के रेस्टोरेंट का मुझे इतना पता नहीं, आइडिया नहीं है। और यहाँ की मच्छी जो है मैंने पहले कभी खाई ट्राई नहीं की, बट आज जो है वो ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी अहमद भाई आपके शर्माए राजू भाई और शामी बस यही दोस्त हम मार के बैठे हुए हैं अपना प्रोग्राम करने के लिए। मुझे रानी बिच्छू जरूरी यहाँ पर बैठे हैं, बस एक शुगल मिला तो बस यहाँ पर ये मछली खाते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ। आ गई जी हमारी मछली। इसको बस सही होती है खादी ना जिस जनरेशन बह के खादी उस अपनी औलादी को पार की थी। ऐसा हिसाब किताब खत्म करके निकलते हैं जी वापस घर की तरफ। एक क्वेश्चन इनका ऊपर है और एक ये नीचे है। आउट आउट।
ये हमने मच्छी खा ली है। अच्छा। हमारा शामीर भाई है, हम घर जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह दे वाले, अल्लाह दे, बाय बाय। तो आज आपको ये चीज खानी थी, यहाँ की मशहूर जो जगह है, रेस्टोरेंट है, फिश पॉइंट जो है, ये मैंने आपको दिखाना था। तो इसी के साथ यहाँ पर व्लॉग करते हैं हम अपना ख़त्म। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ यहाँ पर व्लॉग करते हैं ख़त्म। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।